लड़का हमारा बेटा दरोगा हो गया, गांव में खूब खुशी है। हाँ। पूरे गांव खुश है, आज तक ये गांव में कोई दरोगा हुआ ही नहीं। इसका नाम भी रोशन और काम भी रोशन किया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऐसे तो किराना दुकान है और बिजनेसमैन और किसान भी है। किसान है पिताजी? किसान है बिल्कुल। खाए हैं, खिलाए हैं मिठाई। हाँ। और लोग लेके आता है यहाँ पर, हम भी खिलाते हैं यहाँ। सफलता का जो श्रेय है उसे आप किसे देना चाहेंगे? मेरे अंदाज से पीरी से हमको थोड़ा आसान मेंस ही लगा था, तो मेंस के लिए भी फिर वही आप लुसेंट ये सब घटना। इस वक्त हम मौजूद हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में और ये भिकनपुरा पंचायत पड़ता है। आश्चर्य होगा जानकर कि गांव में किसी पंचायत में जो है पहली दफा कोई दरोगा बना है। हमारे साथ रोशन जी है जो पूरे गाँव में रोशन करके दिखाए हैं, दरोगा बन के दिखाए। रोशन जी सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे ये सफर आपका कैसा रहा? सफर तो ठीक ही रहा, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है, लेकिन यही स्टूडेंट लाइफ में भी उतार चढ़ाव रहा, कहीं सक्सेस कहीं अनसक्सेस। भले इस क्षेत्र में दरोगा के क्षेत्र में नहीं, लेकिन और सब क्षेत्र में थोड़ा अनसक्सेस भी रहे थे, तो ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको तो एंजॉय करना चाहिए। चाहेंगे कि शुरू वाला जो आपका जर्नी था उसको जरा बयां कीजिए। बिल्कुल, मेरा सब कुछ बिहार गवर्नमेंट से ही सब कुछ हुआ। मेरा है जो शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था भिकनपुरा मिडिल स्कूल से ही हुआ था। उसके बाद 10th हो 12th हो सब कुछ बिहार से ही हुआ, मैंने बिहार पब्लिक हुआ। और इधर हम लोग इंजीनियरिंग भी किए, बिहार इंजीनियरिंग से किए थे और सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग इंजीनियरिंग किए थे। जब इंजीनियरिंग आप किए तो उसके बाद मतलब ये प्रशासनिक लाइन में आना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पहले से ही सोच था कि जो भी जॉब करना है बिहार में ही जॉब करना है। उधर थोड़ा सा उस समय वैकेंसी कम आ रही थी इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो हम मूव कर गए थे बीपीएससी की तरफ। जब मूव किए तो उसी प्रिपरेशन के ही दौरान फॉर्म आ गया दरोगा का, बिहार एसआई का, और भरे और फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। तो यो बीपीएससी वाला जो तैयारी था उसको छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, अभी कंटिन्यू है सब कुछ, तो एक सब कुछ तो साथ ही साथ चलता है, तो वो अभी चल रहा है वही। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऐसे तो किराना दुकान है और बिजनेसमैन और किसान भी है। किसान है पिताजी? किसान है बिल्कुल बिल्कुल। पहला जब ये आपको पता चला कि रिजल्ट मेरा हो गया, तो पहला आपका इमोशंस वो कैसा था? इमोशन तो होता है, थोड़ा आँख में आंसू आ गया, खुशी का आंसू ही सब आता है। और सबसे पहले मम्मी को कॉल किए, मम्मी नहीं उठाई तो फिर पापा को कॉल किए, और क्या वो तो एंजॉय करने का सब कुछ होता है, बहुत अच्छा लग रहा था। और क्या पूरे जर्नी को मतलब जानने में तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, हालांकि गर्मी भी बहुत है। संक्षेप में ही जानिए कि अभी भी बहुत ऐसे छात्र हैं, नौजवान हैं जो तैयारियाँ कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? बिल्कुल, उन लोगों को हम यही बोलेंगे कि कभी भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेगा, ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस अनसक्सेस से घबराना नहीं है, हमेशा लगे रहना है, कभी सक्सेस कभी अनसक्सेस। लेकिन आपका अगर अनसक्सेस होता है तो उससे सीखना है कि क्या हम में कमी रह गया। और असफलता तो एक है जो सफलता की कुंजी है, हम तो इस चीज़ को पहले से ही मानते हैं, उसमें कमी को आप ढूंढिए और उस पर प्रोग्रेस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेहनत कीजिएगा एक बार दो बार असफलता होगा, लेकिन एक ऐसा सेचुरेशन लेवल आ जाएगा प्रिपरेशन का कि उसके बाद एक क्या एग्जाम, एक बार में 5-5 एग्जाम निकल जाएगा। तो इसके लिए कभी भी नहीं टेंशन लेना है, एक हो सकता है कि ऐसा कि एक साल में 5-5 जॉब हो जाए, इसीलिए हम तो कहते हैं कि एकदम लगे रहना है और लास्ट तक लगे रहना है। अगर ना भी हो तो क्या होगा, तजुर्बा आएगा ज़िंदगी में जीने का, पढ़ाई कभी व्यर्थ हो नहीं जाएगा ना। ये अभी के निजी जीवन को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत एक अहम हिस्सा जो है पूरे देश का वो आजकल डिजिटल मीडिया की तरफ मूव कर दिया। हर बच्चे जो है प्रतिदिन यही सोच रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को फेस करें, वायरल हो जाए, और नकारात्मक दिशा में जो है वो जा रहे हैं, उसके विषय में आपकी क्या ख्याल है? इसके लिए तो मैच्योर रहना पड़ेगा, और डिजिटल मीडिया वास्तव में अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव ही रहा है, अगर देश की डेवलपमेंट की बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। लेकिन अब पर्सनल स्टूडेंट की लाइफ की बात किया जाए तो यहाँ पे है थोड़ा सा है निगेटिव, तो क्या निगेटिव अगर आप उसको ढूंढ रहे हैं तो निगेटिव मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिव नहीं है, पूरा पॉजिटिव से भरा हुआ है, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, चाहे जितना भी बहुत सारा ऐप है या बहुत सारा, मैंने अभी तो पढ़ाई भी अब ऑनलाइन होने लगा है, सोशल मीडिया को निगेटिव कहना तो खैर कहीं से सही नहीं रहेगा। प्लस में यूट्यूब इस पर ही बहुत सारा करेंट अफेयर, इस हम लोग तो करेंट अफेयर में यूज करते थे यूट्यूब से ही, और प्लस में जितना भी सोशल मीडिया से हो सके, खाली इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या रील्स खैर अभी तो हम जान रहे स्टूडेंट सब के लिए कैंसर का एकदम पूरा कैंसर की तरह फैल चुका है, रील्स कब 4-5 घंटा बीत जाता है कभी पता नहीं चलता है, तो उस सब चीज़ से थोड़ा बचना होगा और पॉजिटिव ढूंढिए, क्या पॉजिटिव हम लोग के लिए क्या फायदेमंद है उस चीज़ को ढूंढिए और उसको यूज कीजिए बस। आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस रूप में किया? बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हम भी नहीं, रील्स वील्स नहीं आ जाता था कभी कभार तो देखते थे, लेकिन हाँ इस सब चीज़ को बचने का पूरा से पूरा कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने का कोशिश की कि जितना हो सके पॉजिटिव यूज ले उससे। जो बच्चे मतलब
दरोगा बनना चाहते हैं, उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कुछ कहेंगे, किस सिलेबस को पढ़ेंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा ये तमाम चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत स्ट्रेटजी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेरा रहा वो हम अपना बता देते हैं, लेकिन हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। और हम सबसे पहले तो घंटा उंटा देख के पढ़ाई उढ़ाई कभी नहीं किए, जो भी हम तो कहेंगे स्टूडेंट को कि टारगेट फिक्स कीजिए कि एक दिन में कि आज इतना पढ़ना है और इतना पढ़ना है। और ज़िंदगी में हमेशा कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या ना पढ़ना है, क्योंकि ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उस सेक्शन को ज़्यादा आप केयर कीजिए, उस चीज़ को ज़्यादा देखिए। हम तो शुरुआत में क्या उधर तैयारी कर रहे थे पीसीएस का, तो हमको उतना ज़्यादा इधर प्रॉब्लम इशू हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हर एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग है। तो दरोगा के लिए हम लोग ज़्यादा नहीं, सिर्फ लूसेंट किए थे और घटना चक्र हम लोग किए थे, और करेंट के लिए स्पीडी सब किए थे, और डेली का मैगजीन सब पढ़ते थे, करेंट अफेयर यूट्यूब सब से भी देख लेते थे, थोड़ा सोशल मीडिया सबसे भी थोड़ा सा जुड़े रहते थे करेंट इशू सब जानने के लिए। और बाकी बात प्री, थोड़ा सा प्री हम मेरे अंदाज से जहाँ तक मेंस जितना वास्ट है उससे ज़्यादा हमको प्री लग रहा है, क्योंकि प्री का एरिया ब्रॉड होता है, ज़्यादा एरिया से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछेगा कहीं कुछ ज़्यादा पता रहता नहीं है। तो प्री अगर हो गया तो फिर मेंस के लिए थोड़ा सा कम मेहनत की ज़रूरत है, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड थोड़ा भी अगर मैथ रीजनिंग ये सब आता है तो, क्योंकि मेंस में जो होता है 100 नंबर में हो जाता है, 30 नंबर हो जाता है जो मैथ और रीजनिंग मिला के होता है, और वो भी बहुत आसान होता है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 70 जो क्वेश्चन होता है इधर जनरल से होता है पूरा, तो मेरे अंदाज से पीरी से हमको थोड़ा आसान मेंस ही लगा था। तो मेंस के लिए भी फिर वही आप लूसेंट सब घटना चक्री सब काफ़ी है मेरे अंदाज से। और सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कोई भी स्टूडेंट को कि कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कम से कम रिसोर्स का यूज करना। एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार। जितना ज़्यादा एक बुक को रगड़िएगा, जितना ज़्यादा पढ़िएगा, आपका उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए रिसोर्स को एकदम सबसे पहले, जितना समय लगे रिसोर्स को चुनने में समय लगा दीजिए, लेकिन रिसोर्स को जितना हो सके, जो भी अगर आप बना लिए कि इसी से पढ़ना है तो इसी से पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर मत करना। बिल्कुल, ये सफलता का जो श्रेय है उसे आप किसे देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम अपना फैमिली को देंगे, पापा मम्मी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो फैमिली ही मेरे लिए किया। बिल्कुल, कोई शक का बात नहीं, लेकिन है टीचर लोग भी है, बचपन के टीचर, स्कूल के भी टीचर थे, तो उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आते थे गाँव में तो मोटिवेट ही सब करते रहते थे। और ऐसे भी टीचर हम गाँव में भी आते थे, थोड़ा सा गाइड उड करते रहते थे सबको, बच्चा लोग को भी गाइड उड करते थे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान फैमिली का और टीचर ही सबका तो होता ही है, क्योंकि यही आप लोगों के लिए है जो पॉजिटिव सोच सकता है सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, परिवार इसके पीछे बहुत बड़ा एक उदाहरण होता है। माताजी, पिताजी सब लोग यहाँ मौजूद हैं, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुश है, हम बहुत खुश है जब लड़का दरोगा बन गए, इतना पढ़ाई लिखाई अब निकाल लिए, तो हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। मिठाई उठाई खाए हैं? बहुत मिठाई खाए हैं, आज नहीं निकल रहा है आपका गला पर? खाए हैं, खिलाए हैं मिठाई, और लोग लेके आता है यहाँ पर, हम भी खिलाते हैं यहाँ। हाँ, अच्छा, सुन रहे हैं कि पूरे गांव में पहला ये स्टूडेंट है? हाँ, जो निकाले हैं। पहला गांव में पहला ये है जो लड़का हमको निकाले हैं। बेटा कितना बदमाशी करता था? बेटा बच्चा में तो बदमाशी, कोई भी बच्चा में बदमाशी करवे ना करता है, अकेले हो जाता है। पढ़ने में कैसा थे? पढ़ने में सब सही है, मगर सब पढ़ने में सब बच्चा घर के सब सही है। क्या नाम हुआ चाचा जी? लक्ष्मी शाह। लक्ष्मी शाह, लक्ष्मी शाह, खुशी है ना? खूब खुशी है, खूब खुश है। लड़का हमारा बेटा दरोगा हो गया, गांव में खूब खुशी है। हाँ। पूरे गांव खुश है, आज तक ये गांव में कोई दरोगा हुआ ही नहीं, इसका नाम भी रोशन और काम भी रोशन किया। गजब, चमत्कार हो गया रोशन। ये बताइए, गांव में खुशी की बात कर रहे हैं, जब गांव से कोई लड़का आगे चल जाता है तो लोग निगेटिव देखता है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कभी नेगेटिव नहीं देखते थे, हम लोग देखते कि हमारा बेटा गांव में पढ़ा है, गांव में है, बाहर भी गया तो अच्छा करेगा, या गलत लड़का कभी नहीं था ये। पिताजी हैं, बहुत ऐसे पिताजी हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनका बच्चा जो है भटक जाता है, उन्हें आप क्या कहेंगे? ना ना, कमाइए और बच्चा को पढ़ाइए। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाता है, नौकरी तो नौकरी की बात अलग है, लेकिन शिक्षा कभी बेकार नहीं जाता है। पैसा बेकार हो जाएगा, लेकिन शिक्षा बेकार नहीं जाता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। शिक्षा आपने पिला दिया है? हाँ, हम पिला दिए हैं सब। चलिए, इसके पीछे आप देख सकते हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं, कई लोग हैं गांव के वो जो सामने से ये इंटरव्यू देख रहे हैं। और इसके बाद इधर दिखाइए जरा, इधर भी कई चाची हैं आप? हाँ, चाची थी, तो पास हो गया, दरोगा बन गए, दरोगा जी हो गए। हाँ, दरोगा जी हो गए, बहुत हम सब खुश हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, नाराज नहीं ना है? नहीं, बहुत खुश है। चाची लोग नाराज रहती है? नहीं नहीं, जखनी देखे कि रिजल्ट आया तखनी बहुत खुश हो गए थे। की कहले? अच्छा मानाई छी। जो पोता हो गेल, पोता हो गेल दरोगा, तो अच्छा ना मानाई छी। चलिए, रोशन जी से अंततः एक सवाल और करेंगे, दरोगा बन गए हैं, जब प्रशासनिक व्यवस्था में लोग आता है ना, तो कई लोग होते हैं कि पीछे से घूस लेना स्टार्ट करते हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे?
ये सब क्या, इस सब तो संस्कार दिखाता है, हम लोग को ऐसा संस्कार मिला नहीं है ये सब। और जहाँ तक हो हम इस क्षेत्र में इसीलिए जुड़े भी, सोशल वर्क के लिए ही जुड़े थे कि ऐसे सिर्फ सोशल वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपके पास कुछ पावर आ जाए, चाहे कुछ मैंने सरकारी कुछ ओहदा आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही मेरा टारगेट रहेगा कि शिकार जो होता है ना, मतलब सामान्य वर्ग के लोग ही इसके शिकार होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो ऊपर से पैरवी कर लेते हैं लेकिन सामान्य वर्ग के लोग जो है बहुत इससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके मेरा उद्देश्य रहेगा ज़िंदगी जीने का कि जितना से जितना हो, गरीब हो चाहे जो भी हो, जो दबा कुचला लोग हैं चाहे जो भी पीड़ित जो है उसके मदद करना, पूर्ण रूप से मेरा यही उद्देश्य रहेगा। चलिए इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, आपके गांव में भी कोई दरोगा बनाए तो हमारे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। हालांकि रोशन जी के इस संघर्ष की कहानी के पीछे आपका ये स्टोरी कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।